रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बकायदा आगाज़ करना है, तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल एंड वायरल जेनेटिक सिस्टम्स। ये क्या होते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल जेनेटिक सिस्टम में? सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, बैक्टीरिया और वायरस के जेनेटिक सिस्टम क्या हैं, किस तरह के, उनको क्यों स्टडी किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। इंट्रोडक्शन, जेनेटिक सिस्टम बैक्टीरिया और वायरसेस के जो हैं इसलिए स्टडी किए जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी में इनका बहुत इम्पेक्ट है। आपने रिसेंटली देख लिया होगा, एक वायरस ने पूरे के पूरे ग्लोब को हिला के रख दिया है। वो डिजीज़ काज करते हैं, वो कई बैक्टीरिया फ्रेंडली हैं, कई क्रॉप के लिए अच्छे हैं, कई क्रॉप के लिए बुरे हैं। तो वायरसेस मोस्ट कॉमनली लीथल होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं ये फ्रेंडली भी होते हैं और लीथल दोनों ही कंडीशन में जाते हैं, यानी कि डिजीज़ काजिंग भी होते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनका इम्पेक्ट होता है। डायरेक्टली ह्यूमन को डिजीज काज करते हैं, इनडायरेक्टली उनसे एसोसिएटेड प्लांट्स या उनसे उनके फूड सोर्सेज के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके ऊपर ये अपना इम्पेक्ट शो करते हैं। प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज़ का काज भी ये बैक्टीरिया और वायरसेस हैं। नेक्स्ट इसके कुछ जनरल डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया और वायरसेस के। जनरली बैक्टीरिया और वायरसेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं जो जनरल उन्हें डिस्टिंग्विश करवाते हैं। आप लोगों को बेसिक ये चीज़ पता है, लेकिन मैं एक दफ़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें किसी माइंड में कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। बैक्टीरिया, बेसिकली बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन उनका जो सेल होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है एज़ कम्पेयर टू वायरसेस। तो सिंगल सेल्स हैं और काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ये सेल्स होंगे, और इनमें एक कैपेबिलिटी है, दे कैन सर्वाइव आउटसाइड, दे कैन सर्वाइव इन इट्स ओन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि वो अपने आप के तौर पे भी खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऑन इट्स ओन वो सर्वाइव करेंगे, उन्हें कोई भी सर्विस मिलती है, थोड़ा बहुत मीडिया मिलता है तो उस पर वो ग्रो कर जाते हैं, फ्रीली लिविंग भी हो सकते हैं। इनसाइड या आउटसाइड बॉडी, किसी बॉडी के अंदर वो रहेंगे या बाहर रहेंगे, जो भी उन्हें कोई प्रॉपर प्लेस मिलेगी वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना, ये उनकी कैपेबिलिटी है। वाइल कंपैरिजन में वायरसेस को देखा जाए तो दे आर स्मॉलर इनफ एंड दे आर नॉट सेल्स, उनके सेल्स नहीं होते बल्कि दे आर इनक्लोज, दे आर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल इज़ इनक्लोज इन प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज वो होता है, उनकी ऑर्गेनेलिस इनमें वायरसेस में नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। और कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया दे नीड होस्ट लाइक ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई। इन्हें बैक्टीरिया को कोई ना कोई होस्ट चाहिए जिसके ऊपर ये सर्वाइव करेंगे, वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं या बैक्टीरिया हो सकते हैं। ह्यूमन पे भी इसका इम्पेक्ट आता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो ये कुछ उनकी शेप्स हैं, कुछ बैक्टीरिया के आपको पिक्चर नज़र आ रही होंगे, बैक्टीरियल सेल्स कैसे होते हैं, वाइल जो इसमें वायरसेस हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। आपने ओल्ड बैक्टीरियोफेज देखा होगा स्पाइडर की फार्म में, आजकल आप कोरोना वायरस का देखते होंगे, सिमिलर का स्ट्रक्चर होता है उसका, मिलता जुलता होता है HIV के साथ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ इसमें नज़र आ रही होंगी पिक्चर में। नेक्स्ट हमने आज डिस्कस करना है कि एडवांटेजेस क्या होंगे बैक्टीरिया और वायरसेस की जेनेटिक को स्टडी करने के। हमें मसला क्या है, क्यों हम उसको स्टडी करते हैं, उनकी जेनेटिक्स को स्टडी ना करें तो गुजारा चल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इस एडवांटेजेस के बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। आपके जहन में भी रिसेंटली अपडेट हो चुकी हैं, कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है कि रिप्रोडक्शन इज़ रैपिड। एडवांटेजेस, हम बैक्टीरिया और वायरसेस की जेनेटिक्स को अगर स्टडी करते हैं तो किसी और ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में अगर इनकी जेनेटिक स्टडी करनी हो तो ये रैपिड मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम इनको इजीली इनकी जेनेटिक्स को स्टडी कर पाएंगे। सेकेंडली, मैनी प्रोजनीज आर प्रोड्यूस, कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजनीज प्रोड्यूस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स और एनिमल्स। इनमें वो कैपेबिलिटी होती है कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके नई से नई कॉलोनीज प्रोड्यूस कर सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन है द हैप्लॉइड जीनोम अलाउ ऑल द म्यूटेशंस टू बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली, क्योंकि या सिंगल सेल्ड होंगे या एक सिंगल प्रोटीन कोड के अंदर ये बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, तो इनके अंदर जो भी म्यूटेशंस आती हैं वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाती हैं। वाइल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अगर कोई म्यूटेशन आती है तो वो सेल के अलावा किसी और में उस सेल के अलावा जब तक पूरी बॉडी में वो प्रिवेल नहीं करती वो अपीयर नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है कि दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सिंप्लीफाई इनकी आइसोलेशन की जा सकती है किसी भी इनके ग्रुप ऑफ रीजन जो होगा, ग्रोथ का रीजन जो होगा वहाँ से आप सिंपली आइसोलेट करके इनकी जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आप वहाँ से आइसोलेट करोगे उसमें जेनेटिक प्योरिटी मौजूद होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल या हैप्लॉइड जीनोम होने की वजह, सिंगल जीनोम होने की वजह से मल्टीपल इसमें क्रोमोसोम नहीं है तो सिंगल ही इसमें जीनोम मौजूद होती है दोनों में वायरसेस और बैक्टीरिया में, तो उनको स्टडी करना आसान होता है। और जब भी इनमें म्यूटेशन आएगी तो ये प्योर स्ट्रेन की फॉर्म में होंगी। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रोथ इनकी लेबॉर्टरी में बहुत इजी होती है और बहुत ही लिटिल स्पेस के ऊपर आप इन्हें ग्रो कर सकते हो, कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इनको ग्रो करना है आपने लैब के अंदर तो ईजीली आप इसे ग्रो कर पाओगे और इसके लिए आपको बहुत ही स्मॉलर स्पेस रिक्वायर होगी। नेक्स्ट जीनोम इनकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। स्मॉल होने का मतलब क्या है, अगर जीनोम इनकी छोटी है बहुत कम है तो स्मॉल जीनोम की कंडीशन में उसको स्टडी करना आसान होता है, लार्जर जीनोम्स को स्टडी करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, तो स्मॉल जीनोम जो होती है वो लेस टाइम टेक करती है, उस छोटे से टाइम के अंदर वो आप उसे ईजीली स्टडी कर पाते हो। टेक्निक्स जो भी अब तक अवेलेबल हैं इनको आइसोलेट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स इवॉल्व कर की जा चुकी हैं और इजीली हम इन्हें आइसोलेट करके इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके उन टेक्निक्स के अंदर जो भी जीनेटिक मैनिपुलेशन की टेक्निक्स हैं, स्टडी करने की टेक्निक्स हम इजीली इनमें अडॉप्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर ऑर्गेनिजम्स। ओके, इसके बाद एट्थ आता है दे हैव मेडिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि पहले मैं शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि दे का सर्टन डिजीज इन ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो ह्यूमन केस में अगर देखा जाए तो मेडिकल इंपॉर्टेंस है इनकी, तो इनके इनकी अगर जेनेटिक स्टडी हम करते हैं तो उनकी बेसिस के ऊपर हम इनकी को डायग्नोज करने में हेल्प होती है, इनसे रिलेटेड जो डिजीज काज होती हैं उनको क्योर करने में हेल्प होती है। आपको पता होगा आजकल कोविड 19 है तो वो उसको के जो भी टेस्ट हो रहे हैं वो उनके जेनेटिक बेसिस के ऊपर है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट उनका होता है और चेक किए जाते हैं कि जो उनके सीक्वेंसेस किट्स में आते हैं कोविड 19 के, अगर किसी ऑर्गेनिज्म से उसका सैंपल लिया गया किसी ह्यूमन से तो उससे वो सीक्वेंस मैच करते हैं उन वायरसेस की प्रेजेंस को वो शो करते हैं, तो इट मीन्स के पर्सन आर कोविड पॉजिटिव अगर मैच कर जाते हैं। अगर वो मैच नहीं करते इट मीन्स के वो ह्यूमन के सैंपल में अगर मिसिंग है तो वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो ये मेडिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इनकी जेनेटिक स्टडी की गई है चाइना में सबसे पहले जब आया था तो उन्होंने इनिशियल स्टेप यही था कि उन्होंने उसके जीनोम को स्टडी किया था और जीनोम को स्टडी करके उसको वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको उसकी जीनोम को आइसोलेट किया और फर्दर उसके लिए उसके जो जीनोमिक सीक्वेंसेस हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग किट्स की फॉर्म में उन्होंने अपनी कंट्री में चेक करने के लिए जितने भी पेशेंट्स थे उनको यूज़ किया और फिर वर्ल्ड ओवर इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो गई और मुख्तलिफ कंट्रीज इनकी किट्स को प्रिपेयर कर रही हैं, मुख्तलिफ कंपनीज इसको प्रिपेयर कर रही हैं बाय यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस। लास्ट वन है एडवांटेज कि दे कैन जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस सब्सटेंसेस टू सब्सटेंस ऑफ कमर्शियल वैल्यू। जैसे आपको पता है कि योगर्ट फार्मिंग बैक्टीरिया जो हैं बहुत एक ट्रेडिशनल वे है, हमारे घरों में योगर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इसके थोड़ा बहुत एक ऑलरेडी फार्म योगर्ट जो होती थी उसको ऐड किया जाता है और वो जब योगर्ट ऐड की जाती है तो उसमें वो बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जिस दूध के अंदर वो योगर्ट का थोड़ा सा सैंपल जैसे जाग कहा जाता है जब उसे ऐड किया जाता है तो वो अपने साथ वो थोड़ा सा सैंपल योगर्ट का जो है बहुत सारे बैक्टीरिया कंटेन करता है और वो जिस फ्रेश मिल्क के अंदर ऐड किया जाता है उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होता है और योगर्ट फॉर्म होता है। तो
जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उन योगर्ट फार्म बैक्टीरिया को भी मॉडिफाई किया गया है। कई ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो अब फ्लेवर्ड योगर्ट्स बनाने के लिए की तरफ दुनिया जा रही है, चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आए और इस तरह की चीज़ें स्टडी करने की कोशिश की जा रही हैं। तो ये एडवांटेजेस थे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में भी मैं डिस्कस करता हूँ।